हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एचआर प्लानिंग के बारे में, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, है ना। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूनिट 2। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत इजी चैप्टर है, है ना। तो एक बार कर लो, और बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, तो आराम से यहाँ से एक क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। देखिए होता क्या है, कहानी थोड़ा सा समझ लो, है ना। कोई भी कंपनी है ना, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाती है ना, वी कैन कॉल इट एज अ बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है। उसी बिजनेस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो है वो कोई भी कंपनी में एचआर स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि जो आपकी एचआर स्ट्रेटजी है वो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी से अलग नहीं हो सकती। दिस बोथ शुड बी इन, है ना, इंक्लिनेशन और इन सिंक विद ईच अदर, ठीक है। होता क्या है, जो आपका एचआर प्लानिंग पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एचआर स्ट्रेटजी, एंड योर जॉब डिज़ाइन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर एचआर स्ट्रेटजी। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी ऐसे स्टेटमेंट आ जाए या ऐसे assertion reason में लिखा हो कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ एच आर स्ट्रेटजी इज़ एच आर प्लानिंग एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ एच आर स्ट्रेटजी इज़ जॉब डिज़ाइन, तो ये वो दोनों स्टेटमेंट सही होंगी। तो एक तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्लियर, समझ में आता है, ठीक है। नाउ एच आर स्ट्रेटजी को हम पहले मैन पार स्ट्रेटजी भी कहते थे, राइट, ठीक है। तो ये जो मैन पार स्ट्रेटजी है इसको पहले, सॉरी, ये जो एचआर स्ट्रेटजी है इसको पहले मैन पावर स्ट्रेटजी कहा जाता था, फिर जो है वो इसको अब बाद में जो है वो इसको एचआर स्ट्रेटजी कहा गया। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, दिस इज़ मैन पावर, तो यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट और एंगल को लाने के लिए जो है वो इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, एचआर स्ट्रेटजी, जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए जो है वो ये, मतलब दोनों एक ही नाम है, ठीक है। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कि ऑब्वियसली जो भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब थोड़ा सा एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं, कि मान लो बिजनेस, आपके बिजनेस स्ट्रेटजी है कि हमें नेक्स्ट ईयर जो है वो एक और कंपनी को एक्वायर करना है, है ना, और हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप एक्विजिशन करोगे, आप किसी कंपनी को एक्वायर करोगे, अपनी कंपनी में सेल्स बढ़ाओगे, तो आपको ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो एचआर स्ट्रेटजी है वो उस तरीके की बनेगी, इन द सेंस कि आपको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आपको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, है ना। तो ये किस कहाँ से हायर करोगे, किस तरह की स्किल्स एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड रहेगा, किस तरह की वैकेंसीज आपके वहाँ पे निकलेंगी, ये सब चीज़ें आपके एचआर स्ट्रेटजी का पार्ट रहेगा। तो ये कहानी कहाँ से आई, ये कहानी एक्चुअली बिजनेस स्ट्रेटजी से आई, कि आपकी बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपकी एचआर की स्ट्रेटजी रहती है, ठीक है। तो हम यही चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्लियर। तो एचआर प्लानिंग कहा, क्या कहा हमने, इट्स द प्रोसेस ऑफ फॉरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई, किसकी, राइट टाइप ऑफ पीपल इन द राइट नंबर, ठीक है। तो बहुत सिंपल, अगर आप इस डेफिनेशन को भी थोड़ा सा तोड़ के देखो, देन यू गेट टू नो कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, इट इज़ एक्चुअली ए फॉरकास्टिंग, जिसमें कि हम कितने ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड रहने वाली है और कितने ह्यूमन रिसोर्स की उस डिमांड को हम सप्लाई कर सकते हैं, राइट, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम एक चीज़, हर एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा स्टेप बाइज आगे इसके प्रोसेस में देखेंगे, इसके मेथड्स में देखेंगे कि किस तरह जो है वो हम एचआर डिमांड और एचआर सप्लाई फॉरकास्टिंग करते हैं, राइट, ठीक है। और इसी को हम मैन पावर प्लानिंग या एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, कि इसके बाद जितने भी प्रोसेस है, ये जितना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहला स्टेप ही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी आपके स्टेप्स हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे जॉब एनालिसिस हो, चाहे सिलेक्शन हो, ये सब चीज़ें इसी के बाद स्टार्ट होती हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इट इज़ ओनली आफ्टर दिस दैट एचआरएम डिपार्टमेंट कैन इनिशिएट द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये भी एक खुद में एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपका बाकी के फंक्शंस ऑफ जो भी एचआरएम के फंक्शंस हैं उनको जो है वो एक बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लियर, समझ के। नाउ
स्कोप, स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो ट्रेडिशनल स्कोप और इवॉल्विंग स्कोप क्या है। तो दो तरीके के स्कोप के बारे में बात होती है, एक ट्रेडिशनल स्कोप और एक मॉडर्न स्कोप भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, है ना, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए ये कोई एक कहानी नहीं है कि हाँ सुन लिया कि ये एक ट्रेडिशनल स्कोप है, एक इवॉल्विंग या एक मॉडर्न स्कोप है, नहीं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, है ना, आपको असर्शन रीजंस में दे देगा या आपको मैच द फॉलोइंग करके देगा कि कौन सा जो है वो फीचर कौन से तरह के स्कोप के साथ डील करता है, मैच करता है। तो जैसे जो ट्रेडिशनल स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग था वो था नैरो और रिएक्टिव, कि एनवायरनमेंट में आप मतलब ठीक है मार्केट में कुछ होगा तब हम रिएक्ट करेंगे कि हमारी एचआर स्ट्रेटजी क्या रहेगी, जबकि आज का जो स्कोप है वो है ब्रॉड और प्रोएक्टिव, हम पहले से ये डिसाइड करते हैं, हम पहले से अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपनी एचआर स्ट्रेटजी बना लेते हैं, वी आर प्रोएक्टिव, है ना, दिस इज़ डन वंस इन अ ईयर, तो ये साल में एक बार होता है, जबकि दिस इज़ डन ऑन क्वार्टरली बेसिस, तो हर क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो हम अपने एचआर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ कैरिड ऑन इन आइसोलेशन वेयर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज़ आर इंटीग्रेटेड विद बिजनेस स्ट्रेटजी, अभी हमने कहा कि ट्रेडिशनली ये इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की तरह देखा जाता था, एचआर स्ट्रेटजी को या एचआर मैनेजमेंट को, वेयर एज अब जो है वो एचआर स्ट्रेटजी को एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट करके देखा जाता है, इट इज़ नॉट डन इन आइसोलेशन, राइट। और कोऑर्डिनेशन विद लोकल न्यूज़पेपर्स एजेंसीज एंड रिलेशनशिप, अगर हमें किसी को हायर करना है, राइट, हमें कोई नया रिक्रूटमेंट चाहिए तो हम जो है वो हमारे न्यूज़पेपर में ऐड कर देते थे, या कुछ रिलेशनशिप्स हमारे जो भी हैं, रेफरल्स हैं, इन सब का यूज़ हम करते थे, वेयरएज अब क्या है, नो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, तो हम रिक्रूटिंग फर्म के साथ है ना एक कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ वी हैव, राइट, लिवरेजिंग इंटरनेट एज अ टूल, तो हम अब जो हमारे रिक्रूटमेंट सेलेक्शन के जो सोर्सेज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्कोप ऑफ एचआरपी, जिसमें कि सिर्फ न्यूज़पेपर्स और ये सब चीज़ों इम्प्लाई रेफरल्स को फोकस किया जाता था। नाउ अकेले एक रिक्रूटिंग फर्म्स अब जो है वो चलती हैं, जो कि इनका की काम ही यही है कि वो जो है वो रिक्रूट करेंगी इम्प्लाईज को ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर कंपनी, ठीक है, और यहाँ पे हायर किया जाता है कंसिडरिंग करंट एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल को फोकस किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि जैसे अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है जो कि किसी एम से एमबीए कर रहा है, वेरस कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो कि किसी एक यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो रिक्रूटिंग फर्म्स होंगी आज की वो एम के जो मैं जो एक लड़का पढ़ रहा है या लड़की पढ़ रही है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगी सेलेक्ट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, रीज़न बिंग क्योंकि वो एक उस स्टूडेंट के उस प्रोस्पेक्टिव इम्प्लाई के पोटेंशियल के ऊपर उनका फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई ऐसा एक स्टूडेंट जो कि कहीं एक एम में पढ़ रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल होगा तो हम उसके पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं, वेयर एज इन द यूनिवर्सिटी सेटअप उनका मानना यही है कि चाहे वो करंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसके यूनिवर्सिटी में 9 पॉइंटर हो वो 9.5 9.8, बट पोटेंशियल कम है, अगर पोटेंशियल होता तो शायद वो आईएम में होता, तो ये जो इनका एक व्यू पॉइंट है, है ना, तो जो आज का टाइम है एचआरपी का जो मॉडर्न और इवॉल्विंग स्कोप है वो पोटेंशियल पे फोकस करता है एम्प्लॉइज़ का, जबकि जो आपका ट्रेडिशनल है वो उनके करंट एक्सपीरियंसेस और स्किल्स के ऊपर फोकस करता है। सो दिस इज़ अबाउट स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आई होप मतलब एक बार थोड़ा सा बैठ के समझोगे तो आप खुद भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से ट्रेडिशनल स्कोप के फीचर्स हैं और कौन से मॉडर्न स्कोप के फीचर्स हैं, राइट। नाउ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एचआरपी को अफेक्ट करते हैं, आपको ये ऐसे देखा लिखा होगा एग्जाम में कि व्हाट आर द ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट एचआरपी, और वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दे दिए होंगे और ऑप्शंस में दे दिए होगा कि 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, 1 2 3 4 आर करेक्ट, 2 और 4 आर करेक्ट, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड साइकिल प्लानिंग, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेगा, है ना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन से फेज़ में है ना। जैसे मान लो किसी भी कंपनी का ग्राफ ऐसे चलता है तो सबसे पहले उसकी एम्ब्रियोनिक फेज़ होती है, देन उसकी ग्रोथ फेज़ आती है, फिर मेच्योरिटी फेज़ आती है, फिर डिक्लाइन फेज़ आती है। तो ऑब्वियसली जब एक कंपनी ग्रोथ फेज़ में होगी या एक मेच्योरिटी फेज़ में होगी उस टाइम ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होगी एज़ कम्पेयर टू जब एम्ब्रियोनिक फेज़ में है या फिर डिक्लाइनिंग फेज़ में है। तो ये भी मैटर करता है कि कौन सी फेज़ में जो है वो कंपनी अभी है, उसका ग्रोथ साइकिल में अभी वो कौन सी फेज़ में है, ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। देन उसके बाद जो है वो हमारी एनवायरमेंटल अनसर्टिनिटीज़, मतलब एनवायरमेंटल में अनसर्टिनिटी, जब भी एनवायरमेंट का वर्ड आए तो कोशिश करो उसको सबसे बेसिक फंडामेंटल से एनालाइज करने की, दैट इज़ पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल,
ठीक है, तो इन बेसिस पे बाहर का एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है या नहीं है, बाहर की इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर हैं या नहीं है, टेक्नोलॉजी में कैसा यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशंस का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस तरह की जब आप बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे तो ये भी फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एचआर प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे, है ना। क्योंकि जैसे मानो टेक्नोलॉजी का एंगल ले लो, तो अगर कोई ऐसा काम जो कि टेक्नोलॉजी, जो कि रोबोटिक्स, जो कि ऑटोमेशन से हो सकता है, उसके लिए आपको नए एम्प्लॉइज रखने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बनेगी फिर, कि आपको हायर करना है या नहीं करना है। फिर जैसे कि आउटसोर्सिंग है, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि, देखो आउटसोर्सिंग कब की जाती है, जब आपको लगता है कि आपके ये जो एक्टिविटी, ये कोर फंक्शन नहीं है आपकी कंपनी का, है ना। तो आउटसोर्सिंग में बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो कोर फंक्शंस होते हैं उसके, जो कोर एक्टिविटीज़ होती है, वो उनको अपने पास रखती है, बाकी जितनी भी नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या कर देती है, आउटसोर्स कर देती है, थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देती है, राइट। तो जैसे कि नाइकी एक सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे देखा जाता है, तो नाइकी क्या करती है, नाइकी के पास अपने सिर्फ अभी ब्रांड मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डिज़ाइन का ही उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, बाकी सब के सब फंक्शंस जो है वो उन्होंने आउटसोर्स करके रख दिए हैं। तो इस तरह से, है ना, तो ये भी आपके ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर रहे हो, आपको बहुत कम एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अकॉर्डिंगली आपकी अपनी एचआर स्ट्रेटजी रहेगी। देन लेबर मार्केट, लेबर में किस तरह के स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है, है ना, ये भी आपके एक एचआरपी को अफेक्ट करता है फैक्टर। देन टाइप्स एंड क्वालिटी ऑफ फॉरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो टू फॉरकास्ट दी एचआर इन योर कंपनी, है ना, कि किस तरह की आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस के ऊपर ये आप डिसीजन ले रहे हो। क्या आप ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं एचआर में, उनको आप यूज़ कर रहे हो, या आप एचआर ऑडिट्स को यूज़ कर रहे हो, कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जितनी बढ़िया क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। देन टाइम हॉरिजन्स, आपकी जो एचआर स्ट्रेटजी है, आपकी जो एचआर प्लानिंग है, वो कितना टाइम के लिए आप बना रहे हो, है ना, आप 1 मंथ के लिए, या आप 6 मंथ्स के लिए, आप 1 ईयर के लिए, आप 5 ईयर्स के लिए, आप 20 ईयर्स के लिए आपकी प्लानिंग है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी एचआर प्लानिंग और स्ट्रेटजी रहेगी। देन टाइम एंड स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है कि आपको ग्रो करना है, है ना, आपको एक्सपेंशन करनी है, तो आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत भी क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। वेयर एज आपकी क्या है, आपकी कोशिश है कि मुझे मर्ज करना है, मुझे किसी दूसरी कंपनी के साथ खुद की कंपनी को मर्ज करना है, तो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बढ़ जाएंगे उस केस में आपको ले ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें जो है वो आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेंगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको फैक्टर्स के नाम दे दिए होंगे, 4-5 फैक्टर्स के नाम, 6 फैक्टर्स के नाम आप पूछ लिया होगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे, तो ये आपको पता यहाँ से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, राइट। तो ये भी एक खुद में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है एनवायरमेंट का, दूसरा आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज का, थर्ड वी हैव एचआर नीड फॉरकास्ट और एचआर डिमांड फॉरकास्ट भी हम बोलते हैं, फोर्थ वी हैव एचआर सप्लाई फॉरकास्ट, फिफ्थ वी हैव एचआर प्रोग्रामिंग, सिक्स्थ वी हैव एचआर पी इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट वी हैव कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम, एंड अकॉर्डिंगली जो भी हमारा डिसीजन रहेगा इन केस ऑफ सरप्लस और इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज उसको हम ले। तो स्टार्ट विद एनवायरमेंट, राइट। ये मैटर करता है कि देखो जब भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रहेगी उसमें सबसे पहले आपको पहले अपने एनवायरमेंट को ही एनालाइज करना है। जब भी मैंने कहा जब भी आप एनवायरमेंट को एनालाइज करोगे आप क्या देखोगे, उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल सिचुएशन क्या है, है ना। अगर आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, स्टेबल है या नहीं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस इंडिया में करना है विच इज़ एन डेवलपिंग इकोनॉमी एज कम्पेयर टू जब आपको बिजनेस कहाँ करना है, US में करना है या यूरोप में करना है विच इज़ एक्चुअली आर डेवलप्ड इकोनॉमीज, तो अकॉर्डिंगली आपकी HR स्ट्रेटजीज रहेंगी, आपके कॉम्पनसेशन आप इम्प्लाइज का रहेगा, पर्क्स आपको उस तरीके से देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है एनवायरमेंट से, है ना। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अगर आपको उस बिजनेस में एक्सपेंशन करना है, उस बिजनेस में नया स्टार्टअप करना है, है ना, तो दिस ये क्या है, आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, आपने इकोनॉमिक एनालिसिस किया, राइट। फिर अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज बनाओ, ठीक है, कि ठीक है ये तो है नए वेंचर के लिए, तो कि अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले आप एनवायरमेंट को एनालाइज करोगे एंड देन अपनी आप कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस बनाओगे। इन केस आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, जैसे मान लो टाटा है ना, टाटा ऑलरेडी जो है वो एक
मोटर टाटा मोटर्स जो भी है वो व्हीकल्स बनाती है ना, तो टाटा को अगर लगता है कि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाना है तो ऑब्वियसली उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी, पहले उन्होंने एनवायरमेंट को एनालाइज किया होगा, देन दे हैव सेट अप देयर ऑब्जेक्टिव्स और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने पॉलिसीज बनाई होंगी। तो पहले उन्होंने एनवायरमेंट को एनालाइज किया, देन उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज बनाई, फिर देन द थर्ड स्टेप इज एचआर डिमांड फॉरकास्ट और नीड फॉरकास्ट कि अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉइज की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिमांड फॉरकास्ट वो करेंगे, है ना। देर आर डिफरेंट वेज टू फॉरकास्ट द एचआर डिमांड, वो हम अभी देखेंगे। देन वी हैव एचआर सप्लाई फॉरकास्ट, तो हमने डिमांड देख ली, अगर आपको लगता है कि हमें 1000 मोर एम्प्लॉइज की ज़रूरत है तो फिर आप देखो कि एचआर सप्लाई फॉरकास्ट मतलब कि आप कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को सप्लाई कर सकते हो। तो देर आर ओनली 2 or 3 वेज, ऑलरेडी आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज हैं कि ठीक है 1000 चाहिए, उसमें से 700 वी हैव, तो 300 मोर एम्प्लॉइज की हमें ज़रूरत है। तो फिर आप ये देखोगे कि हाँ हम क्या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कुछ एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो जो 300 की ज़रूरत है वो हम अपनी कंपनी से जो है वो उन पोजीशंस पे उनको सेंड करें, ट्रांसफ़र करें, है ना। तो ये भी एक आपका डिसीजन हो सकता है, तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो एच आर सप्लाई फॉरकास्ट करते हैं। देन द फिफ्थ स्टेप इज़ एच आर प्रोग्रामिंग, है ना। तो वो जो हमने ऊपर डिसाइड किया, जैसे मान लो आपने सप्लाई का डिसीजन ले लिया कि हाँ 200 मोर एम्प्लॉइज़ को हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, तो एचआर प्रोग्रामिंग मतलब एक्चुअल में आप किस तरह का जो है वो मेथड यूज़ करोगे, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाओगे, आप उनको ट्रेन करोगे, आप नए एम्प्लॉइज़ को हायर करोगे, क्या करोगे आप, ये आपके एचआर प्रोग्रामिंग में आता है, जिसमें कि हम 6 डिफरेंट एचआर प्रोग्राम्स को देखेंगे। देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपने डिसाइड किया प्रोग्राम उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, एंड देन यू कंट्रोल एंड इवेलुएट दैट प्रोग्राम कि क्या वो जो प्रोग्राम है वो सही रहा या नहीं रहा, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, प्रॉफिटेबल रहा या नहीं रहा। तो ये चीज़ें जो है वो आपके एचआर प्लानिंग प्रोसेस में रहेंगी। जैसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्पेसिफिकली अरेंज द 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहला हमारा फैक्टर होता है एनवायरमेंट का, है ना। दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज का, राइट। तीसरा हमारे पास होता है एचआर डिमांड फॉरकास्ट का। फोर्थ वी हैव एचआर सप्लाई फॉरकास्ट। देन फिफ्थ वी हैव एचआर प्रोग्राम्स, राइट। फिर सिक्स्थ वी हैव एचआर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड सेवन्थ वी हैव कंट्रोल एंड इवेल्यूएशन। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, सो दे हैव स्टार्टेड विद स्टेप 2, है ना। सेकंड वी हैव एचआर डिमांड फॉरकास्ट, जिसको कि हम यहाँ पे लिखा है फॉरकास्ट ऑफ पर्सनल नीड एंड सप्लाई, इन्होंने दोनों को इकट्ठा कर दिया तो ये दोनों यहाँ पे आ गए। देन ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्रामिंग इज़ द थर्ड वन, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट वन इज़ ई। तो सबसे पहले आपके पास सी आना चाहिए, देन वी हैव ए, देन वी हैव बी एंड डी एंड ई। तो सी ए बी कहाँ है, सी ए बी एंड डी ई, तो फोर्थ इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से जो है वो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इतनी डिटेल में हम कर चुके हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। नाउ जैसे कि हमने पहला स्टेप पढ़ा एनवायरनमेंट पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज को सेट करना है। द थर्ड स्टेप वी हैव एचआर डिमांड फॉरकास्ट, ठीक है, वही हम देखेंगे। हमने देखा था कि एचआर डिमांड फॉरकास्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि मैनेजरियल जजमेंट एक टेक्निक है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, फ्लो मॉडल्स, डेल्फी टेक्निक, कुछ अदर्स और वर्क स्टडी टेक्निक, ठीक है। तो वन बाय वन हम एक एक को देखेंगे, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, जहाँ जितना क्वेश्चन हम हमारे लिए एग्जाम में बनता है उतना ही हम देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बोलने का मतलब यह है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास आता है मैनेजरियल जजमेंट, है ना, तो नाम से समझ में आ रहा है मैनेजरियल जजमेंट, जहाँ पे मैनेजर्स जज करेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की डिमांड पड़ने वाली है, ठीक है। कौन जज करेगा, मैनेजर्स, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि मैनेजर्स ऑफ पर्टिकुलर डिवीजन, बिजनेस यूनिट और डिपार्टमेंट जो है वो बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमें जो है वो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में, है ना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड बैठेंगे, एचआर डिपार्टमेंट के हेड बैठेंगे। जैसे मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, राइट, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, है ना। मैकेनिकल ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वहाँ पे रहेगा, सिविल रहेगा, आईटी रहेगा, तो हर एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठेंगे, है ना। तो वो सभी बैठ के फिर अपने अपने जो भी उनके डिपार्टमेंट है उसमें कितने डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। जैसे मान लो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है तो उसमें मार्केटिंग के कितने प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, एचआर के कितने की है, ऑपरेशंस में कितने की है, तो ये सब जो है वो खुद बैठ के डिसाइड करेंगे, एंड देन दे विल कम आउट ऑन ए पर्टिकुलर फिगर कि हाँ इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की हमें ज़रूरत है, ये इतने नंबर ऑफ प्रोफेसर्स की हमें ज़रूरत है। तो ये जो मैनेजरियल जजमेंट है, बेसिकली बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच रहती है,
बॉटम अप क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो कोई लाइन मैनेजर्स है ना, जैसे कि अगर हम एच ओ डी की बात करें तो एच ओ डी ने सबसे पहले अपने लेवल पे डिस्कशन किया है ना, उन्होंने भी आ गया प्रोफेसर्स पे के साथ बात की होगी कि हाँ ठीक है यहाँ पे हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ या प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ रही है। फिर वो जो एच ओ डी है वो किसके साथ बैठेंगे? डीन के साथ बैठेंगे। वो जो डीन है वो रजिस्ट्रार के साथ बैठेगा, और रजिस्ट्रार जो है वो फिर वाइस चांसलर के साथ या डायरेक्टर के साथ बैठ के उसको फाइनल करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस इज़ अ बॉटम अप अप्रोच है ना, और टॉप डाउन अप्रोच भी दोनों होती हैं ये, कि हो सकता है डायरेक्टर एक नया कोर्स लॉन्च करने वाला है तो इस कोर्स के अकॉर्डिंगली हमें कितने नए नंबर ऑफ प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, तो वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। जो है वो हर एक डिपार्टमेंट फिर बताएगा कि हर एक डिपार्टमेंट में ये बताया जाएगा कि दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, उसके अकॉर्डिंगली आप अब बताओ कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई की ज़रूरत है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? टॉप से हुआ, दिस इज बॉटम। तो ये बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों अप्रोच कहते हैं मैनेजरियल जजमेंट को। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, क्लियर? तो कहा जाता है कि दोनों ही अप्रोचेस एक्यूरेट नहीं है, आपको कम्बिनेशन ऑफ दोनों को यूज़ करना है, आपको बेसिकली दोनों में ही यूज़ करना है, जिसको कि हम एमबीओ में भी पढ़ते हैं, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आप सबॉर्डिनेट्स को खुद बिठा के, टॉप लेवल मैनेजमेंट बिठा के जो है वो उनके साथ डिस्कस करके डिसीजन लेती है कि हाँ हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है। तो इसमें क्या रहता है कि बॉटम अप टॉप डाउन दोनों अप्रोचेस का कम्बिनेशन जो है वो एक एक्यूरेट अप्रोच रहेगी। दूसरा आपके पास आता है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक में जो सबसे खास बात है, देखो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक नया कोर्स लॉन्च करना है, ठीक है, आपको नया कोर्स लॉन्च करना है, आपको नहीं पता कि आपको कौन से तरह के प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, या आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और अब आपको नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको किस तरह के एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कैसे पता करेंगे? जो भी उस फील्ड के है ना, जिस भी फील्ड का वो प्रोडक्ट है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होंगे, आप उनसे राय लोगे, राइट? तो आप क्या करते हो, मान लो दिस इज एक्सपर्ट वन के पास आप अपने प्रोडक्ट का पूरा एक प्रपोजल दोगे कि दीज आर आर ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह का हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो हमें बताइए कि हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, किस तरह के एम्प्लॉई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही सेम क्वेश्चन आप डिफरेंट एक्सपर्ट से पूछोगे, एक्सपर्ट टू, एक्सपर्ट थ्री, एक्सपर्ट फोर, मान लो चार एक्सपर्ट के पास आपने भेज दिया, राइट? वो सभी एक्सपर्ट्स अपने आंसर्स देंगे, है ना, वो किसके पास जाएंगे? वो एचआर एनालिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। फिर एचआर एनालिस्ट देखेगा कि ठीक है, जो कॉमन आंसर्स हैं उनको तो वो साइड में रख देगा, जिन क्वेश्चंस पे डिफरेंसेस है वो फिर से उन्हीं एक्सपर्ट्स को भेजा जाएगा, ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इन एक्सपर्ट्स की जो राय है वो कॉमन ना हो जाए, तब तक जो है वो यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहेगा। और तो यहाँ पे सबसे डिस्टिंग्विश फीचर क्या है इस टेक्निक का, कि इसमें ये जो एक्सपर्ट वन टू थ्री फोर हैं ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, ठीक है। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस डेल्फी टेक्निक इज द एब्सेंस ऑफ इंटरेक्शन अमंग एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो जहाँ से जब दूसरी बार फिर से भेजा जाएगा तो पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है, जो भी दूसरे एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी पूछा जाएगा कि इसको हम क्या। हे गाइज, इफ यू थिंक दैट ये जितना भी कंटेंट आपको करवाया जा रहा है ये आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसको कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। आपको उसके लिए अनस्टॉपेबल एजुकेशन ऐप डाउनलोड करनी है, ये इस तरह का आपको लोगो वहाँ पे ऐप में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जाके आप इस कंटेंट को कम्प्लीटली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट आपको नोट्स, लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रॉपर वन टू वन मेंटरिंग वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, पीवाईक्यू एनालिसिस और मॉक क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे दिए जाएंगे, राइट? तो अगर आपको लगता है कि आप यूजीसी नेट के लिए लेबर लॉज एचआरएम कोड 55 का तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऐप पे जाके इस कोर्स में एनरोल होकर जो है वो कम्प्लीटली इस एक्सेस कोर्स को, इस कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इसके लिए आपको करना क्या है, ये ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको जैसे कि मैंने कहा कंप्लीट सिलेबस, रिकॉर्डेड लाइव पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट सेशंस, मेंटरिंग विल बी देयर। इन नटशेल, यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की देखने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई बुक्स फॉलो करनी है, ना आपको कहीं से मॉक पेपर लगवाने हैं, ना आपको खुद से कोई पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे आपको करवाई जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।